So guys, this day we have world's first CNG bike. So hello everyone, welcome back in a brand new video. Is this Saroj and you are watching your own channel Saroj Moto Blog. So guys, आज अपने पास है पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट सी एन जी बाइक, जो कि है भाई बजाज फ्रीडम 125, जो कि भाई आज मतलब 5 डेज पहले भाई बिहार में भी लॉन्च हो चुकी है। एंड भाई सबसे पहले तो आपको पता ही है भाई, दिल्ली में बाइक लॉन्च होती है एंड उसके बाद अपने यहाँ आती है। तो गाइज़, अगर आप भी सोच रहे हो 1 लाख के ऊपर एक अफोर्डेबल बाइक लेने का भाई, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। अब वीडियो को फुल वॉच करना। आज हम इस बाइक के जो है फुल टू फुल डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या कैसे है, सी एन जी पे कितना माइलेज देती है, पेट्रोल पे कितना माइलेज देती है एंड भाई क्या कैपेसिटी है, क्या ये बाइक भाई आप लोगों के लिए सेफ है या नहीं है, सारा कुछ भाई इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो भाई वीडियो को फुल वॉच करना, ठीक है। सो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, दिस डे वी हैव वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी बाइक। सो गाइस, दिस इज बजाज फ्रीडम 125, जो कि भाई पूरे वर्ल्ड की, भारत की नहीं भाई, पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट सीएनजी बाइक है भाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही अफोर्डेबल प्राइस के साथ लॉन्च की गई है भाई। एंड आज हम बात करने वाले हैं इसकी फुल डिटेल रिव्यू के बारे में, आपको इस बाइक में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कौन कौन से वेरिएंट आते हैं, कौन सा वेरिएंट का भाई कितना प्राइस पड़ता है, अगर आपका भी बजट 1 लाख प्लस है एंड भाई आप एक अच्छी एंड अफोर्डेबल बाइक के बारे में सोच रहे हो, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो गाइस, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे भाई, इस बाइक में ना 3 वेरिएंट आती है। ये अपना है सेकंड वेरिएंट। अब भाई बात करें हम फर्स्ट वेरिएंट की, तो भाई फर्स्ट वेरिएंट में जिसको हम बोलेंगे टॉप वेरिएंट, उसमें आपको भाई फुली एलईडी हेडलाइट विथ डिस्क ब्रेक मिलती है, बट इसमें नहीं है क्योंकि ये सेकंड वाली है। सेकंड वेरिएंट में आपको मिलती है फुली डिजिटल हेडलाइट जो, एंड भाई आपको डिस्क ब्रेक जो है नहीं मिलती। हम बात करें अब नॉर्मल मॉडल की भाई, जो नॉर्मल मॉडल में ना ही आपको एलईडी हेडलाइट मिलता है एंड ना ही भाई डिस्क ब्रेक मिलती है। हम बात करें भाई प्राइस की, तो भाई जो आपका टॉप मॉडल है वो आपको अप्रॉक्स पड़ेगा भाई 140 के आसपास की पड़ जाएगी टॉप मॉडल। एंड बात करें भाई इस वाले की सेकंड वेरिएंट की, तो भाई ये आपको पड़ जाएगा 1,28,000 के आसपास, ये आपको पड़ जाएगा सेकंड वेरिएंट। एंड अगर हम वही बात करें फर्स्ट मतलब जो है नॉर्मल वेरिएंट की, थर्ड वेरिएंट, तो भाई उसका आपको सिर्फ और सिर्फ पड़ेगा 1,10,000, ठीक है। सो ऐसा कुछ भाई प्राइस है एंड 3 वेरिएंट में इस बाइक को जो है लॉन्च की गई है। एंड अब हम बात करेंगे भाई सीएनजी एंड पेट्रोल के बारे में, तो भाई डेफिनेटली आप सभी को ही पता होगा भाई जो है अपने यहाँ सीएनजी का प्राइस 86 रुपये पर केजी चल रहा है एंड भाई पेट्रोल का प्राइस 96 के अप्रॉक्स पर केजी चल रहा है। एंड ये जो बाइक है भाई, ये 2 लीटर जो है फ्यूल अफोर्ड करती है एंड भाई 2 लीटर जो है सीएनजी अफोर्ड करती है। जोर लो, अगर 86 का 1 लीटर का सीएनजी पड़ रहा है तो आप 160 का अगर इसमें सीएनजी पुट करवाते हो भाई, तो ये बाइक आपको माइलेज देगी 250 के आसपास का। ये 160 में आपको माइलेज प्रोवाइड करेगी। अगर आप वहीं पे जो है पेट्रोल डलाते हो अप्रॉक्स 180 का, तो भाई ये आपको सिर्फ और सिर्फ 120 का ही माइलेज प्रोवाइड कर पाएगी अराउंड। अगर फ्यूल सीएनजी एंड फ्यूल को जोड़ दिया जाए अराउंड में, तो भाई ये बाइक आपको टोटल टू टोटल माइलेज जो है भाई 350 के आसपास प्रोवाइड करने वाली है। तो भाई इस बाइक को हम माइलेज किंग भी जो है बोल सकते हैं, ठीक है। एंड भाई टॉप वेरिएंट में ना आपको डिजिटल डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। ये आपका जो है एलसीडी डिस्प्ले है, डिजिटल नहीं है। एंड सेकंड वाले जो है उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आती है टॉप मॉडल में एंड भाई फुली एलईडी डिजिटल डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एंड भाई बात करें क्या ये बाइक सेफ है, हाँ भाई पूरी की पूरी सेफ है। मैं अभी आपको ना सीट खोल के दिखा देता हूँ भाई, इसमें ना भाई वेट अ मिनट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई, यहाँ पे ना इसका सीएनजी का जो है बॉक्स दे रखा है, जिसको आप लोग सिलेंडर बोल सकते हो भाई। इस सिलेंडर का जो भाई है ना 16 किलो अफोर्ड करने का जो है क्षमता इस सिलेंडर के अंदर है, बट भाई बाइक के वेट को ध्यान में रखते हुए इसको ना यहाँ से शायद जैम कर दिया गया है, ताकि सिर्फ और सिर्फ इसमें ना 2 लीटर सीएनजी ही आ सके, ताकि बाइक का जो वेट भी है कुछ ज़्यादा बड़ा बढ़े नहीं एंड भाई बाइक जो है आपकी ईजिली अच्छे तरीके से चले। एंड भाई बात करते हैं हम अदर चीज़ों के बारे में, तो भाई ये बाइक ना अगर आपकी फैमिली थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो भाई ये बाइक आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छी होने वाली है, ठीक है। सो गाइस, इस बाइक में ना आपको यहाँ पे टेल लाइट भी देखने को मिलता है, जो कि भाई हैलोजन में है एंड भाई इंडिकेटर भी इसका जो है आपको हैलोजन में ही देखने को मिलता है। एंड भाई बात करें भाई सस्पेंशन की, तो भाई ये आपको ना आगे से देखने में मोनो सस्पेंशन लग रहा होगा, बट भाई ये मोनो सस्पेंशन नहीं है, ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही है भाई। बस यहाँ से ना इसको मफलर लगा दिया गया है, जिसकी वजह से भाई ये आपको ना मोनो सॉक्स लग रहा है, बट भाई ये मोनो सॉक्स नहीं है, ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही है भाई। बस यहाँ से ना इसका मफलर लगा दिया है भाई, जो बाइक के लुक को ना भाई
काफ़ी ही ज़्यादा ही इनहेंस करती है भाई। एंड भाई ये बाइक ना मिडिल क्लास बंदा भाई, कोई सा भी बंदा हो भाई, इजीली अफोर्ड कर सकता है भाई। काफ़ी लो बजट में भाई ये बाइक लॉन्च की गई है। एंड भाई इसका जो माइलेज है ना भाई, क्या ही बोले माइलेज के बारे में भाई, 350 का माइलेज अराउंड आपको फ्यूल एंड सीएनजी मिला के दे रही है भाई। तो और क्या ही चाहिए भाई, 350 का माइलेज काफ़ी ज़्यादा ही मायने रखती है इस बाइक में। अगर कोई बंदा भाई डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है या भाई और कोई काम करता है फेरी वेरी का भाई, तो उसके लिए ये बाइक जो है भाई पूरी की पूरी भाई बेस्ट होने वाली है। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ भाई ये बाइक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाली है आप लोगों के लिए। एंड भाई वहीं बात करें इसके व्हील बेस के बारे में, तो भाई व्हील बेस देख रहे हो काफ़ी अच्छा खासा व्हील बेस भी दे रखा है। एंड व्हील डिस्टेंस भी भाई काफ़ी अच्छा दे रखा है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें भाई, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा है इंडियन रोड के हिसाब से। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी भाई काफ़ी अच्छा खासा दे रखा है। वहीं बात करें सीट हाइट की, तो आप लोग देख सकते हो भाई मेरा ना पैर पूरा लग नहीं रहा है। एंड मेरा हाइट जो है भाई वो है 5.8 इंच। एंड मेरा हाइट जो है देख सकते हो पूरा नहीं लग रहा है। अगर भाई हाइट की इशू नहीं है तो आप ये बाइक इजीली ले सकते हो। इसका जो हाइट है ना भाई अपने एमटी से भी थोड़ा ज़्यादा दे रखा है। सो ये इशू है इसमें भाई, इसका जो हाइट है भाई। सो गाइस आपको हम अब दिखाते हैं भाई सीएनजी एंड पेट्रोल जो है आप भाई कहाँ से पुट कर सकते हो। सबसे पहले जान लो भाई यहाँ पे आपको ना एक स्विच मिल जा रहा है, जैसे आप नीचे अगर प्रेस कीजिएगा तो भाई वो पेट्रोल पे बाइक चलने लगेगी। एंड जैसे ही भाई आप उसको ऊपर प्रेस कीजिएगा तो वो सीएनजी पे चलने लगेगी। एंड भाई अभी हम आपको दिखाते हैं आप सीएनजी एंड जो है पेट्रोल कहाँ से कैसे पुट कर सकते हो। सो भाई यहाँ पे ना आपको साइड में सीएनजी पुट करने के लिए मिल जाता है भाई। एंड उसी साइड में हम बात करें तो यहाँ पे आपको पेट्रोल का होल मिल जाता है। तो भाई आप ना राइट साइड से पेट्रोल पुट कर सकते हो एंड भाई वहीं लेफ्ट साइड से आप इस बाइक में सीएनजी जो है भाई इजीली पुट कर सकते हो। तो भाई काफ़ी अच्छी फंक्शन दे रखी है, आप इसे सीएनजी पे भी एंड भाई पेट्रोल दोनों पे चला सकते हो। एंड भाई अगर हम वही बात करें सीट हाइट की, तो सीट हाइट भाई आप लोग देख रहे हो कितना ज़्यादा भाई सीट हाइट है इस सेसी सेगमेंट में भाई। सबसे लंबी सीट हाइट इस बाइक की दी गई है भाई, जो कि आई थिंक किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलती है। सो भाई सीट हाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दे रखा है। एंड भाई अगर हम बात करें अदर कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो आपको अभी ना इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं भाई। एग्जॉस्ट नोट तुम लोग सुनो सबसे पहले भाई, आप लोगों को हम पेट्रोल पे इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं एंड देन आप लोगों को हम सुनाएंगे भाई सीएनजी पे इसका एग्जॉस्ट नोट। सो भाई बाइक को कर लेते हैं स्टैंड। ये गई बाइक भाई, अभी बाइक आओ ना पेट्रोल पे है, अभी आपको ना पेट्रोल पे इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं। देख लो भाई ये है इसका पेट्रोल पे एग्जॉस्ट नोट। एंड भाई बस चाबी ऑफ करो, दो सेकंड वेट करो एंड स्विच को हम आगे प्रेस कर देंगे तो ये आ जाएगा भाई सीएनजी पे। एंड अभी आपको हम सुनाते हैं सीएनजी का एग्जॉस्ट नोट। भाई सीएनजी पे ये कुछ ऐसा आवाज़ करती है एंड पेट्रोल का आवाज़ तो अभी आप लोग देखे ही। एंड भाई अभी बात करें हम लोग मीटर के बारे में, तो भाई यहाँ पे जो आपको दिख रहा है भाई ये सिर्फ ना सिर्फ सीएनजी का ही दिखाता है फ्यूल लेवल, ना कि भाई ये पेट्रोल का फ्यूल लेवल दिखाता है। ये सिर्फ और सिर्फ सीएनजी का लेवल ही दिखाता है। एंड भाई सीएनजी का ना लेवल एक जगह और दिखाता है, मैं आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी भाई सीएनजी का लेवल दिखाता है एंड भाई मीटर पे भी दिखाता है, बट पेट्रोल का लेवल ना भाई कहीं पे भी नहीं दिखाता है। सो ये भी थोड़ा इशू है, पेट्रोल के बारे में आप लोग को पता नहीं रहेगा भाई कितना है नहीं है। एंड भाई बता दूँ आपको ना अप्रॉक्स इसमें हाफ लीटर फ्यूल मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा भाई। अगर सोच रहे हो आप सिर्फ सीएनजी पे बाइक चलाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। हाँ भाई स्टार्ट हो सकती है बट नॉट पॉसिबल, क्योंकि गाइस ना कभी कभी बाइक ऑटोमेटिक जो है पेट्रोल से सॉरी सीएनजी से पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाती है। अगर आपके बाइक में पेट्रोल नहीं रहेगी तो आपके बाइक का भाई कुछ पार्ट्स नुकसान हो सकता है। सो हाफ लीटर फ्यूल तो आपको भाई कैरी करना ही पड़ेगा इस बाइक में। बात करें इसके व्हील बेस के बारे में, तो भाई आपको फ्रंट में ना 17 इंच का भाई ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है, जो कि भाई बाइक के लुक को ना काफ़ी ज़्यादा ही इनहेंस करती है। एंड भाई वहीं बात करें बैक की, तो बैक में आपको भाई 16 इंच का अलॉयस देखने को मिलता है विथ नो डिस्क ब्रेक। ठीक है, आपको इस वाले मॉडल में डिस्क ब्रेक नहीं देखने को मिलती है। एंड भाई सबसे बड़ी बात आपको पता है क्या है भाई, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको मोनो सस्पेंशन निट्रॉक्स का मिलता है भाई, जो कि अच्छी खासी बाइकों में मिलती है, ड्यूक 390 में भी मिलती है अभी फिलहाल में। एंड भाई इस छोटी सेगमेंट के बाइक में भी आपको वही वाला जो है सस्पेंशन देखने को भाई अभी इस बाइक में मिल रहा है। ठीक है, एंड बात करें भाई पावर के बारे में, तो भाई ये बाइक आपको ना 9.7 PS का भाई पावर प्रोड्यूस करती है एंड भाई 9.6 NM का टॉर्क जनरेट करती है ये 125 cc की इंजन। तो भाई काफ़ी अच्छा पावर एंड टॉर्क भी इस बाइक में जो है आपको देखने को मिलता है भाई। ठीक है, सो गाइस फाइनली वी आर इन मोटो ब्लॉगिंग सेटअप एंड भाई अब हम बात करेंगे इस फ्रीडम बाइक की, वर्ल्ड की जो फर्स्ट CNG बाइक है, इसके हैंडलिंग के बारे में। एंड देख रहे हो भाई हम अभी कितना पीछे बैठे हुए हैं, आप यहाँ तक ना भाई आराम से बैठ सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पे ही बैठो क्योंकि भाई चूसना हैंडलिंग तो अच्छा रहेगा इसका। एंड भाई अभी बाइक अपनी जो है CNG मोड पे है एंड अभी मैं आपको CNG पे इसका आवाज़ सुनाता हूँ। भाई काफ़ी अच्छा आवाज़ है एंड बस चाबी को ऑफ करना है एंड फिर चाबी को ऑन करना है एंड नीचे प्रेस कर देना है,
तो ये अपना आ जाएगी पेट्रोल मोड पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा अभी पेट्रोल पे है, एंड जैसे आप ऊपर प्रेस कीजिएगा तो ये सीएनजी का भी जो है साइन यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सीएनजी पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ऑन कीजिएगा पेट्रोल, एंड जैसे ही ऊपर कीजिएगा तो ये सीएनजी का साइन आपको यहाँ पे मीटर में दिखा देगा। एंड अभी आपको हम सुनाते हैं पेट्रोल पे इसका आवाज़। तो भाई पेट्रोल पे ना कुछ लाउड है एंड सीएनजी पे है कुछ कम लाउड, ठीक है। चलो अभी चलते हैं इसको बाहर लेके एंड बात करते हैं इसके भाई हैंडलिंग के बारे में। सो गाइस आ चुके हैं बाहर इस फ्रीडम को लेके, एंड अभी इसको भाई भगाते हैं एंड देखते हैं भाई क्या अच्छा खासा स्पीड ये जनरेट कर पाती है या नहीं कर पाती है। सो गाइस काफ़ी अच्छा खासा जो है ये स्पीड भी जनरेट कर रही है। एंड बात करें भाई हैंडलिंग की तो आप लोग देख सकते हो भाई काफ़ी अच्छा खासा हैंडलिंग ही बाइक में जो है दे रखा है।